हे गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी ढाबे स्टाइल राजमा की रेसिपी, जिसे हम घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे राजमा को ओवरनाइट सोख करके रख दिया था। इसके बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। ये देखें, मैंने मिक्स राजमा लिया है और चिता राजमा की क्वांटिटी मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कप जैसा पानी शामिल किया है। इसके बाद यहाँ पे 3 तेज़पत्ता लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून भर के। इसमें ऑयल शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं गलाना है। ट्रस्ट में आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। मैंने यहाँ पे कुछ गरम मसाला लिया है, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और कबाब चीनी मैंने लिया है। इन सभी को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद इसे दरदरा कूट लेंगे। ये देखें, इसे बहुत बारीक नहीं कूटना है, हल्का दरदरा ही कूटना है। इसके बाद सेम कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसमें ऑयल शामिल कर दिया। यहाँ पे मैंने कूटा हुआ गरम मसाला लिया है, इसे भी हम तेल में डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। इसके बाद 2 मीडियम साइज मैंने प्याज लिया है, इसे बारीक चॉप कर लिया। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का गोल्डन ब्राउन ही करना है। अब हम यहाँ पे टमाटर पेस्ट तैयार कर लेंगे। 3 मीडियम साइज टमाटर लेंगे, 4 से 5 हरी मिर्च और 1 मुट्ठी भर के धनिया पत्ती। इन सभी को फाइन प्यूरी बना लेंगे। अब हम इस पेस्ट को इस प्याज में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे भूनेंगे। ये देखें, इसके बाद यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें रेड चिल्ली पाउडर, 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और नमक मैंने शामिल कर दिया है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक शामिल करें। मसाला को हम मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैन में थोड़ा कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट कर लिया। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और ये हो गया है। अब हम इसे साइड रख देंगे। मसाला भी हम देख लेते हैं, ऑलमोस्ट हो गया है मसाला। ये देखें, हमें राजमा इतना ही इसे कुक करना है कि जब आप हाथ से मसले ना तो ये बिल्कुल एक पेस्ट की तरह हो, स्मूथ टेक्सचर हो इसका। 2 से 3 चम्मच इसमें हम शामिल कर देंगे और बहुत अच्छे से इसे मैश कर लेंगे। इससे राजमा में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ट्रस्ट मी। आप ऐसा बनाकर अपने घर पे देखिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा, वो आपके दीवाने हो जाएंगे। और अब हम सारा राजमा इसमें शामिल कर देंगे। इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी स्टेज पे नमक भी चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ जो मैंने कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट किया था, इसे क्रश करके इसमें डाल देंगे। और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला शामिल किया है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसे लीड लगा के थोड़ी देर कुक होने देंगे, 2 से 3 मिनट। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम लिया है, ये होममेड फ्रेश क्रीम है। फ्रेश क्रीम टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें शामिल करें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। अब अपने अनुसार जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती को स्प्रिंकल कर दिया है और इसके बाद हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट कुक होने देंगे धीमी आंच पे। ये देखिए, राजमा अब बिल्कुल रेडी है। ट्रस्ट में ये बहुत टेस्टी बनता है। आप एक बार इसे घर पे बनाएंगे ना, आप यकीन माने बाहर का खाना भूल जाएंगे। सो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में बनाएं और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।